दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो चोरी के पैसे से अपने गांव में गरीब लड़कियों की शादी कराता था और हेल्थ कैंप लगवाता था। उसका अपराध करने का तरीका भी बंटी चोर जैसा है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का असली नाम इरफान है, लेकिन बिहार के सीतामढ़ी के गांव में उसे लोग उजाला बाबू पुकारते हैं। पुलिस का कहना है कि इरफान बेहद शातिर चोर है, लेकिन शहरों में चोरी के पैसे से वो गांव में गरीब लड़कियों की शादी करवाता है और हेल्थ कैंप भी लगवाता है। गांव में वो कुर्ता पजामा पहनता है और शहर में आकर मॉडर्न लुक में दिखता है। गांव में मसीहा की छवि वाले इस इरफान को जब पुलिस पकड़ने गई तो गांव के लोगों को यकीन नहीं हुआ और वो पुलिस का विरोध करने लगे। ये इसका मॉडस ऑपरेंडी अकेले ही जंगली अकेले जाता था और नंगे पांव जाता था ताकि किसी तरह कोई आवाज ना हो और वो बिल्कुल साइलेंटली अपना काम करके निकल सके वहां से। अब देखिए इरफान की दूसरी दुनिया। शहर आकर वो लेविश लाइफ जीता है, हर रोज लाखों रुपए उड़ाता है, उसके पास ऐसी कई महंगी कारें हैं और कई गर्लफ्रेंड। फिलहाल एक भोजपुरी अभिनेत्री से उसकी नजदीकियां थीं। इरफान ने उसे बताया था कि उसका नाम आर्यन खन्ना है और वो खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक है। उसकी सीसीटीवी में सेंधमारी करते हुए ये तस्वीरें कैद नहीं होती तो शायद वो पकड़ा नहीं जाता। वो हर वारदात अकेले करता था और वो भी अपने अंदाज में। ये गांव में एक लार्जर देन लाइफ इमेज बना रखा था कि ये बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस मैन है और इसने वहाँ पे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए, गरीब बच्चियों की शादी में भी जाके हेल्प करता था। जब हमारी टीम इसको इनफैक्ट जब वहाँ से अप्रेंड करने के लिए हमारी टीम सीतामढ़ी गई थी तो काफी पब्लिक रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा था। इरफान के पास से पुलिस ने 25 लाख का चोरी का सामान भी बरामद किया है। इरफान पुलिस की गिरफ्त में आते ही रोने लगा क्योंकि उसको इस बात का एहसास हो गया कि जिन लोगों की मदद उसने जुर्म के पैसे से की है, जब वो उसका ये रूप देखेंगे तो वो भी उनसे दूर हो जाएंगे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।